आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोटोज को ऑनलाइन सेल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे फोटोज आप कौन से सेल कर सकते हैं, फोटोज आपको किस तरीके के चाहिए। नॉर्मली जैसे आप कहीं पे घूमने गए, आपने नेचर के फोटोज क्लिक कर लिए, आपने ट्रीज के फोटोज क्लिक कर लिए, आपने कहीं पे डॉग्स वगैरह लड़ रहे हैं उनके फोटोज क्लिक कर लिए, राइट। आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में आपने कोई ट्रेन वगैरह जा रही है या बसेस वगैरह या किसी भी चीज़ का आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया। आपने कहीं पे आपको हॉर्स दिख गए, उनके फ़ोटो क्लिक कर लिए। आपको कहीं पे कैमल दिख गए, ऊँट दिख गए, आपने उनके फ़ोटो क्लिक कर लिए, राइट। तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ की कैटेगरी हैं जो भी आपके निजी जीवन में होता है, जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, जो भी चीज़ आपको दिखती हैं, सारी चीज़ों के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और आप उन फ़ोटोज़ को अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। अब आपको मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये फ़ोटोज़ के पैसे कोई क्यों देगा। तो ये फ़ोटोज़ के पैसे कोई इसलिए देगा, क्या रहता है कि जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, ऐसे कई सारी वेबसाइट हैं जिन पे फ़ोटोज़ लगते हैं। अब मान के चलिए अब मेरी आप इस वीडियो में भी कहीं कहीं पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख रहे होंगे आप, जो कि मेरी नहीं है, मैंने ऑनलाइन इनको डाउनलोड किया है और मैंने अपनी वीडियो में लगा दिया। इस तरीके से आप काफ़ी सारी वीडियोज़ देखते होंगे, तो काफ़ी सारी यूट्यूबर हैं उनकी आप वीडियोज़ में फ़ोटोज़ आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं जो कि उनकी नहीं रहती हैं, तो वो लगा सकते हैं उसमें, राइट। अब यहाँ पे सोशल मीडिया का एक नियम रहता है, जैसे यूट्यूब का एक रूल है कि आप किसी की फ़ोटो ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे मान के चलिए मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो डाल दी, अब मैंने इसमें मेरा फेस दिखा दिया या कुछ भी दिखा दिया, अब इसको कोई डाउनलोड करके दूसरा व्यक्ति यूट्यूब पर नहीं डाल सकता है, वरना उसको यहाँ पे कॉपीराइट दे सकता हूँ मैं, कॉपीराइट आ जाएगा उसको, राइट। तो ये दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे आप ये जो फोटोज डालेंगे जिस वेबसाइट पे, जैसे मैं आपको आज शटरस्टॉक वेबसाइट है उसके बारे में बताऊंगा, ऐसी और भी कई सारी वेबसाइट हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं और उनके बारे में पता कर सकते हैं। अब शटरस्टॉक जो वेबसाइट है, आप ऐसे फ़ोटोज़ खींचेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आप कहीं पे घूमने गए, नेचर के फ़ोटोज़ या फिर आपने कैमल के फ़ोटोज़, डॉग्स के फ़ोटोज़ खींच लिए। अब आप इन फ़ोटोज़ को शटरस्टॉक पे डालेंगे। अब शटरस्टॉक क्या करता है कि इन फ़ोटोज़ पे की एक रेट लगा देता है। जैसे आपने कोई फ़ोटो डाला उस पे, उसने शटरस्टॉक ने या आपने उसकी रेट डिसाइड कर दी कि इस फ़ोटो को कोई एक बार डाउनलोड करेगा तो उसको उसका $1 पे करना पड़ेगा, राइट। अब उस फोटो को कोई डाउनलोड करेगा तो उसको $1 पे करना पड़ेगा, उसका कुछ परसेंट शटरस्टॉक आपको देगा, कुछ परसेंट वो खुद रखता है उस फोटो का। तो इस टाइप से आपकी कमाई होगी। अब वो फोटो मेरे जैसे या फिर और मेरे जैसे कई यूट्यूबर हैं या वेबसाइट पे किसी को फोटो की जरूरत पड़ी, जैसे मुझे अपनी वीडियो में कोई डॉग दिखाना है, तो डॉग का ऐसे मैं नॉर्मली फोटो तो खींचने जाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि उस फोटो को परचेस कर लूंगा शटरस्टॉक पे जाके, मैं परचेस करके मेरी वीडियो में यूज कर लूंगा, तो मेरा भी काम हो गया और शटरस्टॉक से मैंने डाउनलोड किया तो आपको पैसे मिल गए। इस टाइप से ये वर्क करती हैं चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, आपको बेसिकली शटरस्टॉक पे वीडियोस डालनी है या फोटोज डालनी है। हम मेनली फोटो की बात कर लेते हैं, वीडियो को हम रहने देते हैं, आप वीडियो का भी कर सकते हैं। तो आपको फोटोज डालनी है। अब वो फोटोज जैसे ही व्यक्ति उन फोटोज को परचेस करेंगे, खरीदेंगे शटरस्टॉक से, तो आपको पैसा मिलता जाएगा, पर डाउनलोड का पैसा मिलेगा आपको। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने डाउनलोड की आपकी इमेज, तो आपको $1 मिल गया। अब यहाँ पे उस फोटो की, पहली चीज मैं आपको बता दूँ, उस फोटो की जो है प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, उस फोटो की जितनी प्राइस रखेंगे आप उसी प्राइस पे वो उसको खरीदेगा बायर। अब जैसे मान के चलिए एक फोटो की आपने $1 रख दी, अब एक व्यक्ति ने आपका एक फोटो खरीदा तो आपको $1 मिल गया। जैसे 10 व्यक्तियों ने आपके उस फोटो को डाउनलोड किया, खरीदा, तो आपको $10 मिल गए। इस टाइप से 100 व्यक्तियों ने डाउनलोड किया तो आपके $100 बन गए। इस टाइप से आपका पैसा मिलता है, मतलब आपने एक बार फोटो डाला और लाइफ टाइम तक आप पैसा कमाएंगे, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार फोटो डाला और एक व्यक्ति ने डाउनलोड कर लिया, आपको एक ही बार पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी बार डाउनलोड होगा उस फोटो को आपका उतना ही पैसा मिलेगा, लाइफ टाइम तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे कर करके आप काफ़ी सारे अपने फोटोज डाल दें क्लिक कर करके, राइट। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपको फोटोज को कहीं से डाउनलोड करके नहीं डालना है, वरना वो फोटोज रिव्यू में
जैसे ही आप फोटो अपलोड करते हैं तो वो फोटोज पहले देखता है, रिव्यू करता है शटर स्टॉक, तो आप कहीं से डाउनलोड करके फोटो डाल देंगे तो वो फोटो नहीं चलेगा। आप कहीं से भी सोशल मीडिया से उठा के वो फोटो डाल देंगे तो वो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा आपको, आपको ऐसा नहीं करना है, राइट। तो आपको अपना स्वयं का फोटो खींचना है, अपना जो फोटो आप स्वयं खींचे वही फोटो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप जो फोटोज डालेंगे शटर स्टॉक पे वो फोटोज HD में होने चाहिए, वो फोटोज बहुत बेहतर क्वालिटी में होने चाहिए। आप सोचें कि ये ऐसी खराब क्वालिटी में मैं फोटो डाल लूं तो वो फोटो आप नहीं डाल पाएंगे, आपकी बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी तभी उसको वो अप्रूव करेगा शटर स्टॉक। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाके आपको सर्च करना है submit.shutterstock.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे इस साइट पे पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पे आ जाएंगे अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन के और साइन अप के। आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है, आपको साइन अप हो जाना है इसमें। फर्स्टली आप इसमें अपना नाम डालेंगे, फुल नेम। सेकंड नंबर पे आप डिस्प्ले नेम डालेंगे जो कि आपको आपके शटर स्टॉक की प्रोफाइल में दिखे, वो डिस्प्ले नेम। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पे आप इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे कि आप 18 साल से बड़े हैं, इनकी टर्म्स है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे आप इस रोबोट वाले बॉक्स को चेक करेंगे कि आई एम नॉट रोबोट, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना रहता है, आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, वो कोड आप वहाँ पे ईमेल आईडी पे जाके और इसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका अकाउंट इसमें बन जाएगा। अब आप इसमें फोटोज अपने अपलोड करें, यहाँ पे फोटोज जैसे आप अपलोड अपलोड करते जाएंगे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज के भी आप कर सकती हैं या एक ही कैटेगरीज के कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फोटो अपलोड करेंगे आपके फोटो रिव्यू में जाएंगे और शटर स्टॉक की टीम उसको रिव्यू करेगी। उसके बाद में आपका फोटो यदि आपका ही कंटेंट होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा, कहीं से आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो, और आपका फोटो फुली HD में होगा, बढ़िया क्वालिटी में होगा, तो वो उसको अप्रूव कर देगा शटर स्टॉक। और फिर आपका शटर स्टॉक की वेबसाइट पे फोटो लाइव हो जाएगा। अब ऐसे करके कोई व्यक्ति उसको परचेस करता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, राइट। ऐसा करना है आपको, और सारी डिटेल डाल देनी है उसमें, अपना बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करना रहता है शटर स्टॉक में। तो आप शटर स्टॉक की वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें कर लें और फिर आप वन टू वन फोटो अपलोड करते जाएं यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाऊँगा और एक दो फोटो अपलोड कर दूंगा और मुझे पैसा आने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। यहाँ पे आपको बहुत तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस पे काफ़ी सारे फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपका फोटो सर्च में आएंगे और फिर आपके फोटो डाउनलोड होंगे और आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे एक दो फोटो से काम नहीं चलेगा, आपको काफ़ी सारे फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे तब आपका जाके काम चलेगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से और भी सारी वेबसाइट हैं, और भी आप सर्च कर लें कौन कौन सी वेबसाइट हैं गूगल पे जाके, तो उन वेबसाइट पे भी आप, इसके अलावा उन वेबसाइट पे भी जाके काम कर सकते हैं और उन वेबसाइट पे भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। आप ऐसा मत करना कि एक फोटो खींचा आपने, भाई आपने शटर स्टॉक पे डाल दिया, भाई और सारी वेबसाइट पे डाल दिया। सारी वेबसाइट पे आपको अलग अलग फोटोज डालने हैं और आपके जैसे ही फोटोज सर्च में आने लगेंगे, बढ़िया क्वालिटी की फोटोज होंगे आपकी, तो आप उनको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आपको पैसा आने लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप चाहते हैं कि और कौन कौन सी कैटेगरीज पे हम फोटो अपलोड कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही शटर स्टॉक वेबसाइट पे जाना है और शटर स्टॉक वेबसाइट पे आपको फोटो सर्च कर करके देख लेना है, काफ़ी सारे फोटोज मिल जाएंगे वहाँ पे। अब आप देख लें कि जो भी शटर स्टॉक पे फोटोज मिले आपको उन कैटेगरीज पर फोटो अपने अपलोड करना स्टार्ट कर देना है, राइट। आपको एक कैटेगरीज का अंदाजा लग जाएगा शटर स्टॉक पे जाके कि किस किस कैटेगरीज में लोग यहाँ पे किस किस तरीके के फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो उसी तरीके के फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। और इससे पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ये बहुत बढ़िया काम है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। तो आप इस तरीके से शटर स्टॉक से अपने फोटोज सेल करके पैसा कमा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और पैसे कमाने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करके आप हमारी और भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो वो भी देख सकते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है ऑनलाइन। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।